नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस्लामिक सहयोग संगठन के रामनवमी हिंसा को लेकर दिए गए बयान की भारत ने आलोचना की है। भारत ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनकी सांप्रदायिक सोच दिखाता है और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC के बयान की निंदा की और कहा कि ऐसे बयान देकर OIC अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। OIC के सामान्य सचिवालय के रामनवमी के जुलूसों के दौरान भारत के कई राज्यों में हुई हिंसा पर एक बयान जारी किया था और मुस्लिम समुदाय पर टारगेटेड हिंसा और बर्बरता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। OIC ने रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का उदाहरण करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इतना ही नहीं, अपने बयान में OIC ने 31 मार्च को बिहार शरीफ में हुई दुर्घटना का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह रामनवमी के दौरान बंगाल, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा पर OIC ने यह बयान दिया था और उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि यहां पर हाल ही में भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन के अवांछित संदर्भों को खारिज कर दिया था। मानवाधिकार परिषद के 92वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड में जवाब देने पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव सीमा पुजानी ने OIC प्रतिनिधि द्वारा दिए गए एक बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि OIC के बयान में संबंध हम नहीं रखते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अनुचित संदर्भों को खारिज करते हैं। तथ्य ये है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा था और रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। पुजानी ने कहा कि अपने सदस्य पाकिस्तान को आतंकवाद को छोड़ने और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा हटाने के लिए कहने के बजाय OIC ने पाकिस्तानियों को नई दिल्ली के खिलाफ नापाक एजेंडा चलाने के वास्ते अपने मंच का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि OIC पहले ही सांप्रदायिक पक्षपातपूर्ण और मुद्दों पर तथ्यात्मक रूप से गलत दृष्टिकोण अपनाकर अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको पूरी खबर बताई है। अब हम जानना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे को सुनने के बाद क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।